हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करें उत्तराखंड सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की। आपकी ग्रेजुएशन लेवल की आपकी वैकेंसी के लिए जो कि वेरियस पोस्ट है, तो उसके बारे में आपको ऑनलाइन फॉर्म की पूरी डिटेल मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो आपसे निवेदन करूंगा इस वीडियो के एंड तक देखें, तो साथ में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में सबसे पहले पता चलता रहे। तो फ्रेंड, इसमें आपको मैं नोटिफिकेशन का पूरा वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पे मैंने डिटेल से आपको सारी जानकारी दी है, तो उसमें भी आपको संक्षेप में मैं जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन है, ठीक है, 6 नवंबर को आया था। 6 नवंबर आपको आपको नोटिफिकेशन आया, 10 नवंबर से आप आवेदन कर सकते हैं, 24 दिसंबर लास्ट डेट है, 26 दिसंबर आपको फीस जमा करने की लास्ट डेट है, मई 2021 में आपका एग्जाम होगा, ठीक है, लिखित परीक्षा। यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है, यहाँ पे आपको देखने जो है ब्लैक ब्लैक में जो आपको बोल्ड में दिखाई दे रहा है वो वैकेंसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सहायक समीक्षा कल्याण अधिकारी की 35, ठीक है, छात्रावास अधीक्षक की 3, सहायक समीक्षा अधिकारी की 1, सहायक समीक्षा अधिकारी की 2, यहाँ पे सहायक आपका चकबंदी अधिकारी की 4। यहाँ पे इस तरीके से आपको जो वैकेंसी है यहाँ पे को देखने को मिल जाएगी। सहायक प्रबंधक उद्योग की 70, आपकी टोटल कुल आपकी 854 वैकेंसी है, ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी की 381 है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। नीचे आपकी पूरी डिटेल दे रखी है, यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, तो आप जाके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इजीली पढ़ सकते हैं, और मैंने वीडियो बना रखा है तो वहां से आप जाके देख और सुन सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड, यहाँ पे सिंपली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको लिंक पे क्लिक करेंगे हम, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप है, तो आप 8 स्टेप में आपका ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। कैंडिडेट नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे आपको देना है, जनरेट ओटीपी होगा, ठीक है, एक एक स्टेप करके मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको रजिस्टर करना होगा, जनरेट ओटीपी करने के बाद, ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा सेकंड स्टेप आ जाएगा। यहाँ पे आपका यूजर नेम और ईमेल आईडी पर आपको आ जाएगा पासवर्ड, ठीक है, तो आपको बताया गया यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन में आपको बताना है कि आपके पास आधार कार्ड है, यस या नो कर सकते हैं, ठीक है, तो नो करने पे आपको अदर आइडेंटिटी कार्ड है, जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये आ रहा है तो वो पूछा जाएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड आपको बताना होगा, आधार कार्ड पे नाम क्या है, इस तरीके से यहाँ पे जानकारी देनी पड़ेगी, डेट ऑफ बर्थ बतानी पड़ेगी, नेशनलिटी आपको बतानी पड़ेगी, क्या आप अनाथ हैं, इस तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी देनी पड़ेगी, ठीक है, ऑर्फन आपका नेम, आपको यहाँ पे स्टेट और आपका ऑर्फन डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी प्रोवाइड करानी हुई, ऑर्फन सर्टिफिकेट, ऑर्फन सर्टिफिकेट इशू डेट, यहाँ पे अगर आप करते हैं इस तरीके से यहाँ पे आप जानकारी देनी पड़ेगी, ठीक है, तो मैं इसको नो कर देता हूँ। फादर नेम है, यहाँ पे आपको मदर नेम है, इस तरीके से आपको बर्थ डेट, डिस्ट्रिक्ट का नाम, तहसील का नाम, बर्थ विलेज का नाम, यहाँ पे आपको जानकारी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। यहाँ पे आपका फोन नंबर एस विद एसटीडी कोड अगर है तो बता दीजिएगा, मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको जानकारी देनी पड़ेगी, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर आपके कोई बॉडी पे ऐसा चिन्ह है जो आप बता सकते हैं तो, और आपको लगता है तो बता दीजिएगा, ठीक है, अगर आपके जैसे कोई आईब्रो पे कट है या फेस पे कुछ दाग है, इस तरीके से यहाँ पे आपको कोई भी स्पॉट है तो उसकी जानकारी यहाँ पे आप दे सकते हैं, अगर नहीं है तो नो, सिंपली नो मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट रेजिडेंस एड्रेस के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, हिल है, प्लेन है, तो यहाँ पे आपको बता दीजिएगा, ठीक है, आप मेल फीमेल है उसके बारे में बताना पड़ेगा, यहाँ पे आपके शादीशुदा हैं या नहीं इसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, आपका जो वेदर या डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, यस या नो कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा क्या आप पास्ड हैं हाई स्कूल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन उत्तराखंड से, यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं, ठीक है, ठीक, इस तरीके से यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, वेदर यू डोमिसाइल मैं नो कर देता हूँ, इस तरीके से यहाँ पे वेदर यू पेरेंट्स या अदर कैंडिडेट आपको जो यहाँ पर पूछा जा रहा है ट्रांसफर उत्तराखंड, यस या नो कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कैटेगरी आ रही है, फिर अनरिजर्व कैटेगरी है, अब यहाँ पे अगर नहीं आप यस कर देंगे तब आप उत्तराखंड के होंगे, तब यहाँ पे आपको कैटेगरी पूछ ली जाएगी, ठीक है, देखिए इस तरीके से यहाँ पे कैटेगरी पूछ ली गई है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपके फिजिकली डिसेबल्ड हैं, यस या नो कर सकते हैं, ठीक है, आपको बताना हो किस टाइप की फिजिकल डिसेबिलिटी है, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स सर्विस मैन है तो यस या नो कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, ठीक, यहाँ पे आपको आप आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, यस या नो कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है, ये पहला कंप्लीट होने का स्टेप 3 पे आ जाएंगे हम। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको सिंपली ध्यान रखना है, आप उत्तराखंड के नहीं है तो इसके लिए वैकेंसी के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो एड्रेस देना होगा, परमानेंट एड्रेस,
ठीक है। करस्पोंडेंट एड्रेस की जानकारी यहाँ पे देनी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लैट, रूम, हाउस नंबर इस तरीके से आ रहा है, नेम ऑफ प्रमिस, बिल्डिंग का नाम, रोड स्ट्रीट का नाम, एरिया, लोकेलिटी, लैंडमार्क है तो वो बता सकते हैं, आपका जो प्रदेश है उसके बारे में बता सकते हैं। मैंने उत्तराखंड सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे तहसील आप बता सकते हैं, जो भी तहसील आपकी, ठीक है, इस तरीके से मैंने बता दिया। यहाँ पर सिटी या विलेज के बारे में बता सकते हैं, अगर आपका सिटी या विलेज है तो उसकी जानकारी यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी देने के बाद यहाँ पे मैंने आपको सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर ये दोनों एक हैं करस्पोंडेंस, आप यहाँ पे आप उसके उस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ रहा है सेम ऐसे एड्रेस करस्पोंडिंग, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक नंबर, इस तरीके से कुछ भी एक एड्रेस दे रहा हूँ मैं फ्रेंड, है ना। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है एक्यूरेट देनी है, जो कि डॉक्यूमेंट के हिसाब से देनी है, ठीक है। तो फ्रेंड आपकी डिस्ट्रिक्ट स्टेप 3 पे आ चुके हैं। इज योर नेम रजिस्टर्ड इन एनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस लोकेटेड इन यूके स्टेट, तो यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। अगर नो है तो नो कर दीजिए, यस है अगर आपके पास है तो आपने रजिस्ट्रेशन कराया था उसके यस कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन के बारे में, आपका ऑफिस डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया जाएगा, आप किस में डिस्ट्रिक्ट आप करा रहे हैं, जैसे मैंने अल्मोड़ा में करा रखा था, तो उसके आप डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और वैलिड कब तक है उसकी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। अगर नहीं करा रहेगा तो नो कर दीजिए, ठीक है। अभी तो फिलहाल इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही है, अगर डिफिकल्टी आएगी तो हमें पता भी चल जाएगी और मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है। हैव यू आप लेट लीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन टेरिटरी एंड आर्मी, यस या नो कर सकते हैं। देखिए अगर यस है तो यहाँ पे आपको इसकी जानकारी देनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए एनसीबी सर्टिफिकेट, यहाँ पे पूरी जो भी सर्टिफिकेट इसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी देनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैकलिस्ट, आपको ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन के बारे में देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इज एनी क्रिमिनल पेंडिंग अगेंस्ट यू, यस या नो कर दी। प्लेस ऑफ रेजिडेंस के बारे में जानकारी आ रही है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। आप रूरल में रहते हैं या अर्बन में रहते हैं, उस तरीके से यहाँ पे जानकारी दे दीजिएगा। आपकी जो क्लास है रूरल में थी 10th के लिए, अर्बन में थी तो मैं अर्बन में देता हूँ। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन गवर्नमेंट था प्राइवेट था, उस तरीके से। फादर आपकी है और क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन आप जो भी आपका है, पिताजी का भी दे सकते हैं। आपकी जो पिताजी की ऑक्यूपेशन क्या है, व्यवसाय क्या है, तो उसके बारे में बता दो, बिजनेस मैन है, प्राइवेट है, रिटायर्ड है, इसके बारे में यहाँ पे आप जानकारी दे सकते हैं। एग्रीकल्चर है तो उस तरीके से। मदर के क्या है यहाँ पे आप बता सकते हैं, हाई स्कूल है, 12th है, ग्रेजुएशन में, यहाँ पे ऑक्यूपेशन क्या है, हाउस वाइफ, तो इस तरीके से यहाँ पे दे सकते हैं। मोड ऑफ आपकी किस तरीके, सेल्फ स्टडी है, कोचिंग है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फैमिली इनकम है, एनुअल इनकम के बारे में आप बता सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे आप क्लिक करना है। सेव टू नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। देखिए उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए कोई डिफिकल्टी नहीं हुई। यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्टेप 3 में आपने देखा था मैंने एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन के कोई नहीं किया, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं आई है। यहाँ पे आपको दे सकते हैं एसएससी के बाद हाई स्कूल की जानकारी आ रही है, इस तरीके से आपको देना है किस सन में पास किया था, नेम ऑफ कोर्स क्या था, सब्जेक्ट क्या थे, उसके बारे में डिटेल देनी हुई, स्टेट आपको बताना पड़ेगा, इस तरीके से ऐड करके यहाँ पे आपको पूरी जानकारी देनी होगी, ठीक है। बोर्ड यूनिवर्सिटी रिजल्ट क्या था, पास थे, आपका जो ड्यूरेशन क्या था, रिमार्क यहाँ पे आपको देना है, रिजल्ट टाइप का आपका था, मार्क्स था कि सीजीपीए था, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको देखेंगे डिवीजन के बारे में, यहाँ पे आपको जानकारी दे देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप दे सकते हैं, मैंने अपनी सारी एजुकेशन की डिटेल को मैंने अपडेट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं पूरी डिटेल आ रही है, यहाँ पे आपको ऐड करते जाइए, इस तरीके से यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा, आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। अब मैं इसका नेक्स्ट करता हूँ, तो हमारा स्टेप 5 में आ गया। यहाँ पे आर यू एम्प्लॉयड, यहाँ पे आप देख सकते हैं यस या नो कर सकते हैं, ठीक है, यस करते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट एम्प्लॉय या पास्ट एम्प्लॉय के बारे में जानकारी देनी है, एक्सपीरियंस टाइप क्या है, एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, ठीक है, टाइप, नेचर ऑफ ड्यूटी आपकी परमानेंट है, टेम्परेरी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस के, फॉर्म डेट कब से लेके कब तक, नेम पोस्ट का क्या है, इंस्टीट्यूट आपका जो इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको देने के बाद सेव कर सकते हैं, ठीक है, और नो कर दे तो यहाँ पे भी आपको सेव कर दीजिए। यहाँ पे आपका इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे अपलोड आपको दे सकते हैं, फोटो है, सिग्नेचर है, आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, इसके बाद आप नेक्स्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप दे सकते हैं आपको आर यू ग्रेजुएट स्ट्रीम, यहाँ पे आप जस्ट यस कर दीजिएगा। आपको क्वालिफिकेशन आपका ड्यूरेशन कितना है, 3 साल आपको बता दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखते हैं आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस पर आपको यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर यू हिंदी एज गवर्न, यस कर सकते हैं, जो भी आपका डिटेल है, हिंदी आपका, अंग्रेजी आपका सब्जेक्ट था इंटरमीडिएट में, इस तरीके से यहाँ पे आपको करना है, जिस पोस्ट के लिए आप करना चाहते हैं उसको यहाँ पे आपको करना हो, उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टुडे आपको जो डेट दिखाई देगा, प्लेस यहाँ पे आपको आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर है वो आप सेलेक्ट कर ले सकते, मैंने अल्मोड़ा कर लिया।
यहाँ पे आप दूसरा जो भी चमोली आ रहा है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पेमेंट करने आ रहा है, पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका पे नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। तो फ्रेंड इस तरीके से कुछ आप ये फॉर्म को फिलिंग की जो जानकारी है मैंने बताई, इस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े, ऐसी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। फ्रेंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।